हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको राजस्थान की फेमस लहसुन की चटनी बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताऊंगा। इस तरह से आप एक चटनी बनाएंगे ना, टेस्टी तो बनेगी। आप इस चटनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, कम से कम 6 महीने तक ये खराब नहीं होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले साबुत लाल मिर्च लेनी है। जो लाल मिर्च का यूज करना है वो ज्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ज्यादा तीखी है तो आपने इसके जो बीज है उनको आपने निकाल देना है, क्योंकि जो मिर्ची के बीज होते हैं ना, ये ज्यादा तीखे रहते हैं, से चटनी ना बहुत ही तीखी बन जाती है, जो हम खा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से तोड़ तोड़ के सारी मिर्ची के बीज देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिए है। और ये जो मिर्ची के बीज है ना, इनको आप पीस के खाने में यूज कर सकते हैं सब्जी को तीखा करने के लिए। और यहाँ पे मैंने देखिए 200 ग्राम लहसुन लिया है, लहसुन को मैंने छील लिया है। इसी तरह से आपने लहसुन को छील लेना है। ये जो मिर्ची है इसको आपने कढ़ाई में डाल देना है। गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है। लो फ्लेम में आपने मिर्चों को ना ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। मिर्ची के अंदर मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। मिर्ची के अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा, आपकी चटनी 6 महीने तक खराब नहीं होगी। तो ओके, देखिए कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो 3 से 4 मिनट तक आपने मिर्ची को ड्राई रोस्ट करना है यहाँ पे। ये देखिए मिर्ची अच्छे से हमारी सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है। इसी कढ़ाई के अंदर आपने सरसों का तेल ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 100 ग्राम मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए, ताकि सरसों के तेल का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें से आधा ऑयल निकाल लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जो ऑयल बच गया उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए। इसका जो हमने लहसुन छील के रखा था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके साथ में थोड़ा सा अदरक भी ऐड करेंगे, अदरक भी अच्छा टेस्ट देगा चटनी में। तो देखिए छोटा टुकड़ा आपने अदरक लेना है, उसको छील के छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल देना है। अब आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने लहसुन को पकाना शुरू कर देना है, ताकि लहसुन जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और लहसुन के अंदर जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो लहसुन को अच्छी तरह से पकाना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो ओके, देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने लहसुन को पका लिया है। 2 चम्मच आपने इसमें साबुत धनिया ऐड करना है और 1 चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा डालना है, और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और लहसुन के साथ थोड़ी देर आपने इनको भी पका लेना है। और कोई एक्स्ट्रा पाउडर वाले मसालों का यूज आपने नहीं करना है। जो भी मसाले यूज करने हैं वो ड्राई ही यूज करने हैं, उससे आपकी चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर आपने इसके अंदर मिर्ची भी ऐड कर देनी है, और मिर्ची को भी आपने लहसुन के साथ मिक्स कर लेना है। एकदम लो फ्लेम में आपने मिर्ची को भी थोड़ी देर पका लेना है। मिर्ची का जो कलर है उसको आपने चेंज नहीं होने देना है, इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे कढ़ाई का। और के देखिए कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं, मिर्ची का यूज़ आप कम कर सकते हैं चटनी को बनाने के लिए, और लहसुन का यूज़ आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपने इसमें आमचूर पाउडर डालना है चटनी को खट्टा करने के लिए। तो 2 चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड किया है। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आपने कम ही डालना है, क्योंकि जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है इसमें ऑलरेडी नमक रहता है। और यहाँ पे देखिए गैस की फ्लेम मैंने बंद कर रखी है। गैस की फ्लेम चालू नहीं करनी है, मसालों को पकाना नहीं है, इनको सिर्फ मिक्स करना है। जैसे ठंडे हो जाएंगे इसके बाद हम इनको मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए, और इसके साथ में जो ऑयल मैंने निकाल के रखा था वो साथ में ऑयल भी ऐड कर देते हैं। और ऑयल के साथ में आपने मिर्ची और लहसुन को पीस लेना है, पानी का यूज़ नहीं करना है। ऑयल के साथ पीसेंगे, काफ़ी दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसका ना एक पेस्ट बना के तैयार कर देना है। तो आप इस लहसुन की चटनी से ऐसे रोटी खाना चाहें ऐसे रोटी खा सकते हैं, सब्जी में मिक्स करके उसको खाना चाहें तो सब्जी में मिक्स करके भी खा सकते हैं। स्टोर करना हो किसी कांच के जार में, आप इसको स्टोर करके बाहर ही रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।